अपराधी अपराध को अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता होता है कि अभी का जो माहौल है उसमें सहारघाट पुलिस पहले से कुछ ज़्यादा ही चौकन्नी और तेज तर्रार गतिविधियों को अंजाम दे रही है। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल, और अभी हमारी मौजूदगी मधवापुर प्रखंड के सहारघाट थाना पर है। और यहाँ अभी जिस मामले को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उसमें कल यानी कि 27 मई को संध्या 4 बजे के आसपास एक उत्तरा चौक के पास 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक हाइवा और टिपर गाड़ी लूटी गई थी। इस लूटपाट की सूचना थानाध्यक्ष सहारघाट को प्राप्त हुई, और जिसके बाद फिर डीएसपी बेनीपट्टी के स्तर से फिर इसके लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, और उस एसआईटी ने इस लूटपाट कांड का 5 घंटे के भीतर ही उद्भेदन कर लिया है, और साथ ही लूटे गए सभी सामानों की बरामदगी भी कर ली है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक अपराधी जो है जयराम पांडे 23 वर्षीय है, जो रविंद्र पांडे के पुत्र हैं। दूसरा वैद्यनाथ पांडे उर्फ भोला पांडे, वो 27 वर्षीय हैं। ये दोनों सहारघाट थाना क्षेत्र के ही पिहवारा गांव के निवासी हैं। और तीसरा जो अभियुक्त है वो संतोष कुमार, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, पेशा राजदेव मुखिया, ये बेनीपट्टी थाना के राजघट्टा के निवासी हैं, और फिलवक्त ये मधवापुर थाना के ब्रह्मपुरी गाँव में अभी ये लोग रह रहे थे। इसके अलावा जितने भी सामग्रियों की बरामदगी हुई है उसमें एक हाइवा है जो 12 चक्के का हाइवा, दूसरा एक टीपर है 6 चक्के का, 3 मोबाइल बरामद हुए हैं पुलिस को, 8,500 रुपये नकद भी इन अपराधियों के पास से बरामद हुए हैं, और इसके साथ साथ 220 cc का एक पल्सर बाइक भी बरामद हुआ है। और बताते चलें कि सहारघाट थाना क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहां की तेज तर्रार पुलिसिंग और अभी पुलिस की जो चौकसी है उस चौकसी में पुलिस ने 5 घंटों के भीतर ही इस लूटपाट कांड का उद्भेदन कर लिया है। और इसी के आलोक में अभी बेनीपट्टी के DSP देवेश कुमार यहाँ PC करने जा रहे हैं। जो कार्रवाई है सर, इसके बारे में बताया जाए। कल दिनांक 27/5/24 को शाम करीब 3 बजे उत्तरी चौक पर, जो सहारघाट थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ एक हाइवा और एक टीपर के लूट संबंधित जानकारी थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई, और तत्काल मुझे इसकी सूचना थानाध्यक्ष अरविंद द्वारा दी गई, थानाध्यक्ष सहारघाट द्वारा दी गई मुझे, और उसी के त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने एक SIT टीम का गठन किया, और उस SIT टीम ने उस SIT टीम के को लीड कर रहे थे सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार, और इनके सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई के कारण हम लोग इस कांड को उद्भेदन कर पाए और 3 लोगों को पकड़ने में सफल हुए। तीनों सर कहाँ के हैं लोग? ये इसमें एक आदमी तो सहारघाट का है जिसका नाम वैद्यनाथ पांडे है, दूसरा जयराम पांडे है, तीसरा रविंद्र पांडे, और तीसरा संतोष कुमार है। ये भी तीनों मधुबनी जिले के हैं जी। इन लोगों के पास सर लूटी हुई सामान के साथ बरामद हुई है? हाँ, लूट में जो हाइवा 12 चक्का हाइवा था, एक टीपर था 6 चक्का, 3 मोबाइल और एक पल्सर बाइक 220 cc का एक पल्सर बाइक प्राप्त हुआ है, और कुछ नकद राशि भी प्राप्त हुआ है जी। और क्या इन लोगों का कभी कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है कि इससे पहले भी? हाँ, इस संदर्भ में हम लोग अन्य थानों में संपर्क कर रहे हैं ताकि इनके पूरे आपराधिक इतिहास को पता करें, और उसी हिसाब से फिर हम उनका आगे कार्रवाई करेंगे। SIT टीम में को लीड कर रहे थे, मैं पहले ही बताया था कि SIT टीम को लीड कर रहे थे सब इंस्पेक्टर हैं नीरज कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, पुलिस और निरीक्षक सहारघाट थाना मोहम्मद समीम, पुलिस और निरीक्षक सहारघाट अभिमन्यु प्रसाद, चालक सिपाही सहारघाट थाना शशि रंजन कुमार, और तकनीकी शाखा मधुबनी के पदाधिकारी एवं कर्मी भी इसमें सम्मिलित थे। SIT टीम के सदस्यों की बात करें तो इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी DSP बेनीपट्टी देवेश कुमार स्वयं थे, और उनके नेतृत्व में बेनीपट्टी अंचल के अंचल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, सहारघाट थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, और सहारघाट थाना के अपर थानाध्यक्ष मोहम्मद समीम, इसके अलावा सहारघाट थाना के एक और SI अभिमन्यु प्रसाद, चालक सिपाही सहारघाट थाना के शशि रंजन कुमार, और इसके अलावा तकनीकी शाखा मधुबनी के कुछ पदाधिकारी व कर्मी शामिल थे। और 27 मई को शाम के समय में जो उत्तरा चौक के पास 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक हाइवा और टिपर गाड़ी लूटी गई थी, उस कांड का 5 घंटों के भीतर ही सहारघाट पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। फिलवक्त के लिए इतना ही। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।